ट्रिप अभी हम कर रहे हैं, जा रहे हैं हम महेश्वर से ओमकारेश्वर। सडन और अनप्लान ट्रिप है हमारा ये। सुबह उठने के बाद एक घंटे के अंदर ये चीज़ हमारा प्लान हो गया कि आज संडे है, वीकेंड को मतलब अच्छे से एंजॉय करेंगे, तो उसके लिए अपन चल रहे हैं। साथ में हमारे साथ या हमारी पूरी फैमिली कह सकते हैं, राहुल सर है, दीपक सर है और ये हमारे नरेंद्र भाई। काफ़ी अच्छा लग रहा है निकलने में। वेदर का अभी कैसा है, 42 to 43 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का नॉर्मल है और जाने पे देखते हैं। अक्सर क्या रहता है, हमारी ओर से प्लान रहता है कि हम ये एक्सप्लोर करेंगे वो एक्सप्लोर करेंगे, बट पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि चीज़ें बहुत कम समय हमें नहीं मिल पाता है कि क्या होता है जिस पर हम ऐसा कुछ एक्सप्लोर कर नहीं पाते हैं। तो अभी चांसेस है कि इस बार अभी अगर जल्दी निकले हैं, 11 बज रहा है जैसे कि अभी निकले हैं, टाइम से है, टाइम भी अपने पास है और महेश्वर से इसकी डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, 55 to 60 किलोमीटर अराउंड है ये टोटल। तो अब देखते हैं, उम्मीद करने के अलावा और क्या कर सकते हैं। आ चुके हैं हम लोग ओमकारेश्वर। अब जस्ट अभी नर्मदा नदी के किनारे खड़े हुए हैं। थोड़ा भी क्या है, एक्चुअल में मंदिर का जो द्वार है अभी वो बंद है, वो 1:20 समथिंग का कुछ टाइमिंग है जिसपे वो खुलेगा। तो अभी साथ वाले हैं, वो एक्चुअल में क्या है, बोटिंग का प्राइस वगैरह थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कैसा है, किस रेट में लेके जाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 7 से 8 लोग हैं तो थोड़ा बहुत कंसेशन वगैरह दे के जो जैसा रहेगा। और यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे स्नान करके फिर मंदिर, जब तक मैं अभी हमारे पास समय है आधे एक घंटे का, तो थोड़ी देर वहाँ पे इन्जॉयमेंट वगैरह करके नहा धो के फिर अपन आगे के लिए मंदिर के लिए निकल जाएंगे। और ओमकारेश्वर मंदिर के साथ ही जस्ट सामने पे अपने पास एक महेश्वर बोल के एक मंदिर है, वो भी है। तो जैसे ये बोट वालों का पैकेज है, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि इतनी इतनी जगह अपन सर घुमा देंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो ठीक है, जस्ट अभी पहुँचे ही हैं, धीरे धीरे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो बड़ी मशक्क़त के बाद बोट हमारी फ़ाइनल हो गई है और किफ़ायती रेट भी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 8 लोग के हिसाब से ठीक है, काफ़ी कुछ घूमने का भी इसमें पैकेज वगैरह हमारा हेड हो गया है। तो बस अब बोट रेडी है, अब बोट रेडी है तो बस अब निकलेंगे और क्या। जूते उतार के गलती कर दी है रे बाबा।
चड्डी गैंग, ओ चड्डी गैंग। हे भगवान, मेरे साथ धोखा हो गया, कपड़े लाया नहीं था और बस नहीं जा सकता नहाने, बैठो यहाँ पे। ये देखो, सबकी देख रेख करनी पड़ेगी, अब ये सारे सामान देख रेख करने पड़ेंगे। फोर्टी फोर डिग्री टेम्परेचर में लोग यहाँ पे इतना कुछ कर रहे हैं, नहा रहे हैं, घूमने फिरने आ रहे हैं, मरना पड़ेगा यार गर्मी में। यही है पर्यटन स्थल की चीज़ों का कि लोग आते हैं, घूमते हैं, सारी चीज़ें इंजॉय करते हैं। जैसे कि आज हमारा अचानक से प्लान हो गया वीकेंड का, बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी प्यारा है। वैसे पानी क्या है, अभी नर्मदा में काफ़ी कम हो गया है पानी की किल्लत, तो पूरे भारत में ऑलरेडी। इसके पहले जो मैं गोदावरी गया था शिरडी ट्रिप पे, उस समय मैंने ये चीज़ कही थी कि गवर्नमेंट को और सब लोगों को हमको इतना अवेयर हो जाना ये सब चीज़ों को लेके, कि आपको किसी प्रकार का आगे चल के ऐसा पानी से प्रॉब्लम ना हो, हमको सेफ़ रखना हमारे फ्यूचर के लिए। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे गवर्नमेंट में चल रहे हैं जो पानी को हमको बचत करना है हमारे फ्यूचर के लिए। तो बस यही है कि एक मैसेज है मेरी तरफ से भी लोगों को अवेयरनेस के लिए कि पानी की कम से कम मतलब खर्चा किया जाए और उसको बचत के लिए आगे रखा जाए। और गर्मी जैसे सीज़न में तो हमको बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। आजा भाई, तू भी नहा ले, आजा आजा आजा। और सर मुँह मत फड़वा लेना, सर मुँह मत फड़वा लेना, अरे सर मत फड़वा लेना, अरे अरे गया 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 गया। ये आखिरकार आ गया पानी के अंदर में। पानी लिए कपड़े के जुगाड़ हो गए, दूसरे इसलिए पानी में घुस गए। और हाँ, कैमरे की कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा तो पानी में घुस के रहता है मेरा हमेशा। काफी ठंडा पानी है, तबीयत बहुत खराब ना हो। आजकल क्या अपन सब वाटर प्रूफ लेके चल रहे मार देगा बहादुर जी के चक्कर में, मत रहना। नहाना धोना सब हो गया, एक बार फिर से नहा धो के कपड़े पहन के फिर से पानी में गिर गया। बस बोट पे आ गए हैं और अब निकलेंगे मंदिर दर्शन के लिए। प्रसाद वगैरह सब कुछ ले लिए, जा रहे हैं मंदिर की ओर दर्शन करने। वो कहाँ गया छोटो? अच्छा लग रहा है चंदन ना, सही है, मेरा सही लगा। हाँ सही है। हीरो 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 चलो आगे। जगह तो काफ़ी अच्छी है, वैसे भी जस्ट अभी इसके पहले त्र्यंबकेश्वर घुमा। अभी मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जितने भी जगह जा रहा हूँ मेरा मतलब ये देवी और धार्मिक स्थल वाला पूरा घूमता ही चला जाऊँगा। थोड़ा तो बिलीव है यार, थोड़ा क्या, काफ़ी ज़्यादा भगवान पर बिलीव है, क्योंकि देखो चीज़ें उन्हीं के साथ होती हैं जो उस चीज़ों को मानता है और जिनको ऐसा मौका मिलता है घूमने फिरने का, उस जगह पर आने का। शिरडी घूम लिया, ऑलरेडी गया था लेकिन अभी कंटिन्यू देखा जाए तो जैसे शिरडी गया, महेश्वर गया, ओमकारेश्वर आ गया, उज्जैन वहाँ कालेश्वर बचा ही है जो कि वो भी काफ़ी नज़दीक है मेरे घर से, तो उसमें भी समय देखेंगे जिस दिन जल्दी जैसा हो जाएगा घूम फिर के आ जाएंगे वहाँ भी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक बार ऊपर से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। तो बढ़ रहे हैं मंदिर की ओर। तत्पुरुषाय महि महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदया ॐ शान्ति ॐ।
से इतनी ज़्यादा भीड़, काफ़ी ज़्यादा लाइन, उसके बावजूद भी देख लो सेवा का, जो कहते हैं ना सेवा के लिए फल और या फिर जो भी है श्रद्धालु जैसा अपना सेवा करते हैं ईश्वर की भक्ति के अनुरूप, वैसे ये बच्चे सभी को मतलब यहाँ पे पानी पिला रहे हैं अपनी तरफ से, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे। अभी तक जितने भी मंदिर में जहाँ पे भी मतलब ऐसा घूमने के लिए गया था, मेरे को यह कैसा पहला मंदिर लग रहा जहाँ पे मल्टीमीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए कोई मतलब ऐसा कोई बातचीत नहीं, कोई भी ऐसा साइनेजेस वगैरह है नहीं, कैमरे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह लगभग अलाउ ही हैं, बाकी लोग हैं, फुटेज वगैरह सब कुछ यहाँ पर बना रहे हैं। तो जस्ट अपन बस अब एंटर ही होने वाला है, मेन गेट पर अपन आ ही गए हैं। जय श्री भोलेनाथ। जस्ट मंदिर में एंट्री कर लिए हैं और ये छोटू वह क्या है अब नहीं छूने का। फर्स्ट टाइम किसी मंदिर में इतना पास आके ईश्वर के रियल में यार, मोबाइल कैमरा वगैरह लेके आया ना तब जाके इतना कुछ यहाँ पे हो रहा। बहुत ही रेयर दर्शन मिला, मतलब जाते ही पैर झुकना, आशीर्वाद ये वापस दर्शन करके बस। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ मंदिर में जैसे ही आप सामने ईश्वर के पहुँचते हैं तो वहाँ के पंडाल लोग और बाबा लोग क्या है आपको ज़्यादा देर वहाँ पे खड़े रह के अलाउ नहीं करने देते, तो बस गंगा जल ऊपर छिड़का गया, आशीर्वाद लिए, बस बाहर आ गए, हो गया दर्शन। और उसके बाद जैसे ही महाकालेश्वर सॉरी ओमकारेश्वर, अब यहाँ घूमने के बाद इसके बाद हम महेश्वर बोल के एक मंदिर और है, तब उस जगह पर जाएंगे। ये गुफा सी नहीं, गुफा ही है। चढ़ा दीजिए सारी चीजें। इधर पे कुछ खास नहीं, तो नींबू पानी पीना है, नींबू पानी पीना है, मना कर दो। फिर हाथ नहीं, नींबू पानी पिएगा क्या? पिएगा सोडा पीना है क्या? सोडा जल्दी रहा सोडा। फिर क्या पीना है? बाय करो, बाय करो, बाय बाय। मम पियो मम 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 मम। ओमकारेश्वर मंदिर का दर्शन हो गया, इसके बाद हम ममलेश्वर मंदिर जो है एक और है यहाँ पे, जैसे कि दो मंदिर है ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, तो हम दूसरे मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। यहाँ की एक चीज़ ऐसा है, यहाँ का हिस्ट्री कहा जाता है कि जो ओमकारेश्वर मंदिर है ये अपने आप नर्मदा नदी के द्वारा खुद ही बन गया है,
इसको किसी ने बनाया नहीं, ऐसा नहीं, अपने आप मतलब नर्मदा नदी के द्वारा ही निर्मित हो गया है। और एक विशेष चीज़ ये भी है कि इस मंदिर का जैसे जो नाम पड़ा है ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर नाम बताते हैं जैसे कि उस समय जैसे विधाता जो हम अपन मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, विधाता के मुख से ही ऐसी चीज़ें निकल गई थी कि इसका नाम ओमकारेश्वर हो गया, तो इस वजह से यहाँ का नाम ओमकारेश्वर पड़ गया। दो मंदिर है, ममलेश्वर ओमकारेश्वर, नर्मदा नदी है, भारत की एक पवित्र नदी में से एक माना जाता है। जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा बोटिंग हो रहा है, सारी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे दर्शन करने का। और कोई अपनी फैमिली के साथ दूर दूर तक लोग यहाँ पे आते जाते सब कुछ करते हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है चीज़ें यहाँ पे। ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन के बाद अब हम यहाँ पहुँचे हैं ममलेश्वर महादेव के। जैसा कि बताया था आपको ऑलरेडी कि दो मंदिर हैं यहाँ पे, तो अभी रास्ता ऊपर जाने का। चल आ जा हीरो, चल चल। क्या हुआ क्या हुआ? बाय कर दो, बाय, चलो आ जा। Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.
कुछ हो गया है, बस अब वापस सारे मंदिर दर्शन, नाव बोटिंग वगैरह सब कुछ कर लिए हैं, अब कुछ है नहीं। अब किसी अच्छे से होटल में रुक के जाते हैं, कुछ खा पी के फिर निकलेंगे वापस घर की ओर। लेकिन दिन आज संडे का अचानक से जैसा जो प्लान किया था उसके हिसाब से बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा गया। और मेरे साथ तो अभी ऐसा लग रहा है कि मैं कंटिन्यू, जैसा अभी लास्ट टाइम त्र्यंबकेश्वर भी गया था, ओमकारेश्वर महाकालेश्वर, ये सारी चीज़ें देखते हुए तीन चार मतलब ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं। तो अभी कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि जब यार ईश्वर की कृपा से सब कुछ इतना कुछ हो गया है, तो बाकी के भी जो बचे हैं केदारनाथ बद्रीनाथ, ये सारा अभी कर लेता हूँ। और क्या, सारा मतलब सब कुछ एक बार में हो जाएगा तो सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, इसी बहाने चीज़ें भी मेरा चलते रहेगा और घूमना फिरना भी लगा रहेगा इसी हिसाब से।